DZ Plus के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बिहार में अचानक से बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। पहले तो बिहार में कोरोना का असर न के बराबर दिख रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी बहस छिड़ गई है। बिहार में कोरोना वायरस ने 22 मार्च को दस्तक दी थी। 22 से 31 मार्च तक 10 दिनों में केवल 22 मरीज पॉजिटिव मिले थे, जबकि 1 से 10 अप्रैल तक 10 दिनों में ये आंकड़ा 22 से बढ़कर 60 पर पहुंच गया। 10 अप्रैल तक इस वायरस ने पटना के साथ ही 10 जिलों को अपने चपेट में ले लिया था। फिर लॉकडाउन हुआ और उम्मीद की जाने लगी कि इससे संक्रमण को फैलने से रोक लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लॉकडाउन के बावजूद 11 से 25 अप्रैल तक कोरोना संक्रमित मामलों में जबरदस्त तेजी देखी गई है। अकेले शुक्रवार को बिहार के अलग अलग जिलों से कुल 53 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे और ये संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तक बिहार के 21 जिलों से कोरोना मरीज मिल चुके हैं और इसमें सबसे गंभीर स्थिति मुंगेर की है। बिहार में सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव केस भी यहीं का था। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अचानक जो वृद्धि हुई है, वो कुछ मरीजों के संपर्क में आने से बनी श्रृंखला के कारण हुआ है। राज्य के 6 जिलों में मरीज से लंबी चेन बनी और इस बीमारी की चपेट में आने वालों की संख्या बढ़ गई। उन्होंने बताया कि मुंगेर जिले में ऐसी 2 चेन बनी है। कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले कई व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है और इस प्रकार संपर्क में आकर संक्रमित व्यक्ति फिर अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को संक्रमित करता है। इस प्रकार एक चेन बनता है। तो बिहार राज्य में भी इसी प्रकार के दृष्टांत आए हैं। तो जो मामले हैं बिहार राज्य में, उसमें इस प्रकार के काफी दृष्टांत हैं, जिसमें कि एक स्रोत से या एक व्यक्ति के माध्यम से संपर्क में आने के कारण कई व्यक्तियों को संक्रमण हुआ। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में मैं बताऊंगा, वैसे सारे मामले का कुछ न कुछ होता है संपर्क और इन्फेक्शन का सोर्स। जैसे मुंगेर में एक संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने वाले व्यक्ति या फिर उसके उस संक्रमण से फिर संपर्क में आने वाले व्यक्ति 29 हैं जो संक्रमित हुए एक स्रोत से। एक संक्रमित व्यक्ति से मुंगेर में 29 व्यक्तियों में संक्रमण हुआ। उसी प्रकार से मुंगेर के ही एक अन्य मामले में एक संक्रमित व्यक्ति ने व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण 13 अन्य व्यक्ति संक्रमित हुए। सिवान में भी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण 22 अन्य लोग संक्रमित हुए। उसी प्रकार नालंदा में एक संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से या उनके संपर्क में आने से 19 अन्य लोग संक्रमित हुए। रोहतास में भी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण 14 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। पटना में भी एक स्रोत से या एक स्थान से 17 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। इस प्रकार बक्सर में भी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के कारण 7 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बिहार सरकार की तरफ से ये बार बार अपील किया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अब घर घर सर्वेक्षण के दौरान अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छुपाए नहीं अवश्य बताएं, अपनी यात्रा संबंधी जानकारी छिपाए नहीं अवश्य बताएं, और बाहर निकलते समय घर से हमेशा मास्क का प्रयोग करें। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने कल एक आदेश भी जारी किया है। आपको बता दें कि मुंगेर में कोरोना की वापसी जमालपुर में हुई है। वहां संक्रमण फैलने के पीछे नालंदा में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम को जिम्मेदार माना जा रहा है। उस प्रोग्राम में शामिल मुंगेर के एक बुजुर्ग को कोरोना संक्रमित पाया गया, फिर एक एक कर उस बुजुर्ग के संपर्क में आए लोग संक्रमित होते गए। ये सिलसिला जारी है। इसी तरह सिवान में एक संक्रमित से 22, नालंदा में एक से 19, रोहतास में 1 से 14, पटना में 1 से 17, बक्सर में 1 से 7 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। वहीं अब तक के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो बिहार में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 242 हो गई है, वहीं 45 मरीज ठीक भी हो चुके हैं।
इनमें सबसे ज्यादा मुंगेर में 60, नालंदा में 34, रोहतास में 9, गया में 5, बांका में 2, पटना में 28, सिवान में 30, पूर्वी चंपारण में 1, गोपालगंज में 3, अरवल में 1, मधेपुरा में 1, औरंगाबाद में 2, वैशाली में 2, सारण में 3, भागलपुर में 5, बक्सर में 25, बेगूसराय में 9, भोजपुर में 2, कैमूर में 14, नवादा में 3, लखीसराय में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि अभी भी बिहार के 17 जिले संक्रमण मुक्त हैं। ये जिले पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, जमुई, शेखपुरा और जहानाबाद हैं। खैर, इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।